गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट व्यूज इन पावर पॉइंट. सो फॉर शोइंग यू डिफरेंट व्यूज आई हैव ओपन अ प्रेजेंटेशन विच वी क्रिएटेड अर्लियर ऑन बेनिफिट्स ऑफ योगा. इन दिस प्रेजेंटेशन आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज इन योर प्रेजेंटेशन. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद नॉर्मल व्यू. Normal view is that view which appears when you open a presentation. It is the default view. It is where we create our slides and we edit our slides. Currently, the view which you are viewing is normal view. Different views appear under the view tab inside the presentation views group. Here you can see different types of views, that is normal, slides shorter, notes page, reading, and one more view is there that we know is slideshow view. So first we will start with the normal view. As I told you, this view in which is currently open in our presentation is the normal view. Here we can edit our slides, we can add new slides, and in the normal view there are three parts. On the left side you can see slides and outline tab. Under the slides tab you can easily see different types of different slides of your presentation in the particular order. Here slides will appear in particular ascending order in which you have arranged it. Here we can also change the order of the slides by simply drag and drop method like this. Click a slide with the help of left button. Now drag your mouse like this and the position of the slides will be changed. Second option is outline tab. Inside outline tab you can see the text or the written part of your slide. Here this is first slide. So first slide में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, हम लोगों ने सिर्फ heading लिखा था और name लिखा था. तो first slide में हमको सिर्फ वही show हो रहा है. This is your second slide. All the points in second slide is showing here inside the outline tab. Okay? यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. जितनी भी आपको एडिटिंग करनी है हम आउटलाइन टैब की हेल्प से कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द स्लाइड टैब अगेन. देन नेक्स्ट ऑप्शन इज स्लाइड पेन. स्लाइड पेन इज द प्लेस वेयर आवर स्लाइड अपीयर इन अ लार्ज फॉर्म एंड वी कैन एडिट इट. दिस इज योर स्लाइड पेन. Next is notes pane. As I told you in the class that notes pane is used to add some extra notes for our slides. It is not visible to the audience during slideshow, but we can use it for reference and we can take printout of it. Suppose जैसे हम लोग presentation बनाते हैं तो presentation में बहुत ज़्यादा अगर हम लोग points लिखेंगे तो audience bore हो जाएगा, उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है और वो समझ भी नहीं पाते. तो हम लोग नोट्स पेन यूज़ करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने के लिए जो हम लोग उनको ओरली बता सके. सब जैसे मैं क्लास में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ विच आर नॉट गिवन इन द बुक, इन द सेम वे नोट्स पेन इज हेल्प अस टू रिमाइंड सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड इट विल नॉट अपीयर ऑन द स्लाइड. लेट्स ऐड सम मोर पॉइंट्स इन द नोट्स पेन. लाइक let's add two or three more benefits of yoga, like yoga help us in weight loss. Weight management. Let's add one more point, like it help us in stress management. Okay, so this is your notes pane. You can increase its size from here.
ये पॉइंट्स आप लोगों को हेल्प करता है अपनी प्रेजेंटेशन ओरली किसी को समझाने के लिए. ये ऑडियंस को ये पॉइंट्स विजिबल नहीं होते. ओके, सो दीज वर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ योर नॉर्मल व्यू, दैट इज स्लाइड्स एंड आउटलाइन टैब, स्लाइड पेन एंड नोट्स पेन. नेक्स्ट व्यू विच इज अवेलेबल इन पावर पॉइंट, दैट इज स्लाइड शॉर्टर व्यू. फॉर स्विचिंग द व्यू वी विल यूज द व्यू टैब फ्रॉम द रिबन एंड वी विल मूव आवर कर्सर इनसाइड द प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप. हियर यू कैन सी सेकेंड ऑप्शन, दैट इज स्लाइड शॉर्टर व्यू. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्लाइड शॉर्टर व्यू हेल्प अस टू शो आवर स्लाइड्स इन मिनिएचर फॉर्म. इसमें जो स्लाइड्स होते हैं वो छोटे छोटे फॉर्म्स में हमको शो होते हैं, विच हेल्प अस टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ अ प्रेजेंटेशन. स्लाइड शो शॉर्टर व्यू से हम अपने प्रेजेंटेशन का एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन में टोटल कितनी स्लाइड्स हैं, सबकी पोजिशनिंग सही है कि नहीं. ओके, नेक्स्ट व्यू इज नोट्स पेन व्यू, नोट्स पेज व्यू. क्लिक ऑन नोट्स पेज व्यू अंडर द व्यू टैब. दिस इज योर नोट्स पेज व्यू. इट दिस व्यू हेल्प अस टू टेक आउट द प्रिंट आउट्स ऑफ नोट्स विच वी क्रिएटेड फॉर आवर स्लाइड. ओके, हियर यू कैन ऑल्सो एड सम मोर नोट्स इफ यू वॉन्ट. Like you can see, जो मैंने पॉइंट्स ऐड किए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है इन द नोट्स पेज व्यू. ओके, इट हेल्प अस टू टेक आउट द प्रिंट आउट. फॉर टेकिंग द प्रिंट आउट वी विल गो टू द फाइल टैब and then we will click on the print button. From here we can take out the printout. Before taking printout you need to make some changes like orientation of your page and the printer which you are preferring for taking out the printout. Here you can adjust the orientation. Click on the notes page option for printing the notes also. Okay, let's get back to our presentation. Next view is reading view. Reading view help us to see our presentation in the full screen mode, but इट विल नॉट विजिबल टू द ऑडियंस एट द सेम टाइम. रीडिंग व्यू हम लोग को एक आइडिया दे देता है कि स्लाइड शो के टाइम हमारा प्रेजेंटेशन किस तरह से शो होगा ऑडियंस को, और ये हमको हेल्प करता है एडिट करने में हम लोग का प्रेजेंटेशन. यू कैन स्विच यूजिंग दीज ऑप्शंस, यू कैन स्विच द व्यू ऑल्सो. लेट्स गेट बैक टू द नॉर्मल व्यू. रीडिंग व्यू इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर द View tab. Next option is slideshow view. We all know slideshow view help us to show the final. It help us to present our presentation to the audience finally. Okay. So in PowerPoint we have a separate tab for slideshow view. You can see here a slideshow tab. In slideshow tab we have two options for starting the slideshow. First option is from beginning and second option is from current slide. From beginning option help us to start the slideshow from the first slide, and from current slide help us to start our presentation from any slide which you want. Suppose अगर मुझे slide number 1 से slide show start करना है, so we will use from beginning button like this.
and we will use the mouse key or arrow key for changing our presentation. For exiting, we will use ESC button on the keyboard. Suppose आपको first slide से नहीं किसी और slide से अपना presentation start करना है, let's because we only created two slides here. Suppose हमको second slide से अपना presentation start करना है, we will use from current slide option. Like this, अब first slide हमको नहीं show करेगा slide show करते time, क्योंकि हमने from current option use किया है. Again, you can use the ESC button for closing our slideshow. So these were some basic views which are available in PowerPoint. For using slideshow, there is also a shortcut key, that is F5. You can use the F5 button on your keyboard for starting the slideshow like this. I pressed F5 key and your slideshow is started. Okay. So I hope you have understand all the views available in PowerPoint. Practice this in your home. Okay? And complete your work regularly. Okay, students? Bye-bye.